टिके टिके में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बेसन की सेवें, जो बहुत ही पॉपुलर है, सब दुकानों पे मिलती है, लेकिन आजकल मार्केट बंद है, तो हमने सोचा आपको घर पे बना के दिखाते हैं कैसे बनती है बेसन की सेवें। उसके लिए हमने लिया है बेसन, साथ में इसमें जाएगा अजवाइन, नमक, मिर्ची, हल्दी, हींग, तेल, और आधे हम बनाएंगे पुदीने के। तो ये हमने पुदीना लिया मार्केट से, उसको सुखाया, अच्छे से धो के माइक्रोवेवन में सुखा के उसके बाद हमने इसको क्रश किया है। तो हम आधे बनाएंगे अजवाइन वाले, आधे बनाएंगे पुदीने वाले। तो हम शुरू करते हैं सेवे बनाने के लिए। ये हमने बेसन लिया है, बेसन में हमने नमक मिलाना है, ये हमने नमक मिलाया बेसन में, साथ में हमने मिलानी है लाल मिर्ची जिसका पाउडर बना हुआ है। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज्यादा। साथ में हमने लिया है हल्दी, हल्दी डालने से इसका कलर बहुत सुंदर आता है। हम लेंगे हींग, कोई भी बेसन की चीज बनाते हैं हम उसमें हींग जरूर से डालते हैं, और डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। साथ में हम लेंगे अजवाइन, इसको हमने हाथ में हल्का सा मसल के डालना है, जिससे इसकी खुशबू अच्छी होती है। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया हमारा बेसन में, साथ में हम इसमें डालेंगे मोइन के लिए तेल। तेल करीब 2 टेबल स्पून डलेगा इसमें। हमने 2 कप बेसन लिया है इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे हाथ से। ये देखिए बेसन हमारा तैयार हो गया है। आपको इसका ध्यान रखना है कि आपने इतना मोइन डालना है जिससे वो लड्डू की फॉर्म में आ जाए हाथ में। अब हमने इसमें धीरे धीरे पानी डालना है, इसका एक स्मूथ बैटर बनाना है। पानी आप एक साथ नहीं डालिए। देखिए हमारा ये डो बन के तैयार हो गया है। इस समय हम इसमें बहुत जरा सा तेल डालेंगे, करीब 1 टेबल स्पून। जिससे हमारे हाथ में नहीं चिपकेगा। ये ऐसा बन के तैयार होएगा, इससे पतला नहीं, इससे ठीक नहीं करना है। तो हमने इसके 2 पोर्शन करने हैं। ये आधा हम इसमें से निकाल लेंगे, जिसको हमने अजवाइन वाले बनाने हैं। ये हमने साइड में निकाल लिया, और आधे हम पुदीने वाले बनाएंगे हैं। तो जो हमारे पास है पुदीना था, वो हम इसमें धीरे धीरे पुदीना डालेंगे। अब पुदीने के अलावा इसमें मेथी भी डाल सकते हैं, आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको लहसुन को पीस के उसका पानी डालना है। हम फिर हल्का सा तेल लेंगे हाथ में, इसमें हमारा पुदीना अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए हमारा ये पुदीने वाला डो भी तैयार हो गया है। ये ऐसा रहेगा, और ये हमारा प्लेन वाला अजवाइन जिसमें हम डाली थी, वो भी डो बन के तैयार हो गया है। अब हम सेव बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें ये चाहिए कोई भी सेव बनाने वाली मशीन। ये हमारे पास में पीतल वाली है, इसमें
ये हमारे पास पीतल वाली है, इसमें चार पांच तरह के होते हैं जो भी आपको बनाना है। ये वाला जो आप गांठिया बनाएंगे उसके लिए है, बाकी ये पपड़ी बनाने के लिए है, ये महीन सेव बनाने के लिए है, ये वाला हल्का सा ठीक वाला सेव बनाने के लिए है। तो हम इसकी सेव बनाएंगे, इसको हमने इसमें डालना है और साथ में इसके किनारे पे तेल लगाना है। तेल हमने डाल लिया, उसको हमने हाथ से फैला लेना है। ये देखिए ये ऑयल डाला है हमने तो ग्रीस हो गया, जिससे हमारा ये बेसन उसके किनारों पे नहीं चिपकेगा। अब हमने इसके दो हिस्से करने हैं। ये हमने इसमें डाल दिया है, इसके बाद हम इसको ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए हमने सेवे को फ्राई करने के लिए तेल गरम रख दिया है। अभी हमने इसको हाई फ्लेम पे रखा है, इसके बाद हम इस जब डालेंगे सेवे तो इसको मीडियम फ्लेम पे करेंगे, नहीं तो हमारी सेवे जल जाएंगी। अभी तेल अच्छे से गरम हो गया, अब फिर इसको केयरफुली, बहुत केयरफुली साथ में ऊपर उठा के आप डालिए। इसको हम ऐसे चाकू से हटा देंगे। इस समय हमारा गैस मीडियम फ्लेम पे है। इसको इस समय हम पलट लेंगे। ये हमारी पुदीने वाली सेवें बनके तैयार हो रही है। अभी भी हमारा गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम पे है। ये हमारी सेव फ्राई होके तैयार हो गई है। इसको करीब एक मिनट लगा होगा फ्राई होने में। आप इसका तेल निकाल लीजिए किनारे पे करके, उसके बाद में आप इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए तो एक्सेस तेल उसका निकल जाएगा। हमने छोटी कढ़ाई ली है तो इसमें हमने एक साथ बहुत सारा तेल डालना है। इस समय हमने वापस गैस को हाई फ्लेम पे रखा है, क्योंकि हमने वो डाला था तो हमारा तेल हल्का सा ठंडा होने लग गया था। अब हमने फ्लेम मीडियम करने रखा। ये देखिए हमारी सेवे बनके तैयार हो गई है। आप इसको, हमने इसको दो टाइप से बनाया, एक हल्का सा ठीक वाला बनाया, एक कितना क्रिस्प बिल्कुल आवाज आ रही है, और एक हमने महीन वाला बनाया। आप इसको घर पे जरूर से बनाइए। आप जो यूज़ करते हैं ऑयल, आप घर में ऑयल यूज़ करेंगे, मार्केट का पता नहीं हमें कौन सा तेल यूज़ करते हैं, तो आप इसको एक बार घर में ज़रूर से बनाइएगा। और आपको अगर ये पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।